जय श्री राम। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रहती हैं उसकी हम कम कीमत लगाते हैं, और जो वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, हमसे छिन गई है, हमसे भूल गई है, उन्हीं चीज़ों के पीछे हमारा मन भी पीछे पड़ा रहता है। उन्हीं चीज़ों को हम ढूंढते रहते हैं, उनकी कीमत हम बढ़ा चढ़ा करके लगा देते हैं और जीवन को खुद ही दुखी बना लेते हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत है आज की कथा में। कथा का शीर्षक है तांबे का सिक्का। होता यूं है कि एक राजा का जन्मदिन होता है और जन्मदिन पर वो सोचते हैं इस बार कुछ विशेष तरह से जन्मदिन मनाया जाएगा। अपने राजभवन से वो बाहर निकलते हैं और वो सोचते हैं आज रास्ते में जो कोई भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसे पूरी तरह से खुश एवं संतुष्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और उनको एक भिखारी मिल जाता है। भिखारी भीख की याचना करता है और राजा भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल देते हैं। सिक्का भिखारी के हाथ से छूट करके नाली में गिर जाता है। भिखारी नाली में हाथ डाल करके तांबे का सिक्का ढूंढने लगता है। राजा ने उसे बुला करके दूसरा तांबे का सिक्का प्रदान किया। दूसरा सिक्का पा करके भिखारी प्रसन्न हो जाता है, उसको पॉकेट में रखता है और पुनः वो नाली में गिरे हुए तांबे के सिक्के को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। राजा को ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा भिखारी जो है कुछ ज़्यादा ही गरीब है, इसलिए फिर से उसको बुलाते हैं और इस बार उस भिखारी को एक चांदी का सिक्का देते हैं। चांदी का सिक्का पा करके वो भिखारी अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, राजा की जय जयकार करने लगता है, उसको अपने पॉकेट में रखता है और पुनः उस नाली के तरफ चला जाता है वो नाली में गिरे हुए तांबे के सिक्के को ढूंढने के लिए, उसमें हाथ डाल करके ढूंढने लगता है। राजा फिर से उसको बुलाते हैं और इस बार राजा उसको एक सोने का सिक्का देते हैं। भिखारी और भी प्रसन्न हो जाता है, उसको भी अपने पॉकेट में रख लेता है और रखने के बाद से राजा की जय जयकार करने के बाद से पुनः वो नाली के पास चला जाता है और नाली में हाथ डाल करके वो भूला हुआ तांबा का सिक्का ढूंढने लगता है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, मन में उनको गुस्सा भी आता है, परंतु वो आज कमिटमेंट करके निकले हैं कि जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसे पूरी तरह खुश और संतुष्ट करेंगे। इसलिए उस भिखारी को संतुष्ट करने के लिए फिर से उसको बुलाते हैं और बोलते हैं सुनो, मैं अपना आधा राजपाट तुम्हें दान में देता हूँ, अब तो खुश हो, अब तो संतुष्ट हो। भिखारी ने कहा आधा राजपाट मिलना तो बहुत ही खुशी की बात है, परंतु मैं संतुष्ट तभी होऊंगा जब नाली में गिरा हुआ वो तांबे का सिक्का मुझे मिल जाए। हमारा हाल भी उस भिखारी जैसा ही है। हमें भगवान ने आध्यात्मिकता रूपी अनमोल खजाना दिया है और हम उसे भूल करके संसार रूपी नाली में तांबे के सिक्के निकालने के लिए जीवन गंवाते जा रहे हैं। जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसी से संतोष करना सीखें। जो भी हमारे पास उपलब्ध है वही मूल्यवान है, वही कीमती है, वही हमारे काम आने वाला है। और जो हमसे छिटक गया है, जो हमसे भूल गया है, जो हमसे छूट गया है, उसका मोह छोड़ दीजिए, सुखी रहेंगे। जय श्री राम।